আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। আজ কি ইস কড়ি মে হাম ক্রান্তিকারী স্বতন্ত্রতা সেনানি সচিন্দ্রনাথ সান্যাল কো ইয়াদ কর রহে হ্যায় জো 7 ফরবরি 1942 কো শহীদ হুয়ে থে। সান্যাল হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন কে সংস্থাপক থে। वे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के गुरु थे। वे शायद एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 2 अंडमान की सेलुलर जेल कालापानी भेजा गया था। गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1893 में जन्मे सान्याल अनुशीलन समिति के एक प्रमुख सदस्य थे। एक युवा के रूप में वो पंजाब और संयुक्त प्रांत में क्रांतिकारी आंदोलन के आयोजन में सक्रिय थे। सचिंद्रनाथ सान्याल ने गदर पार्टी षड्यंत्र के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो रास बिहारी बोस के प्रमुख सहयोगी थे और बंगाल में आंदोलनकारियों को जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी थे। आंदोलनकारी गतिविधियों के कारण सान्याल को गिरफ्तार किया गया और अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल भेज दिया गया। वहां उन्होंने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी जो अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। उन्हें 1920 में रॉयल एमनेस्टी के तहत रिहा कर दिया गया था। अपनी रिहाई के बाद सान्याल ने साहित्य और अखबारों के माध्यम से क्रांतिकारी संगठन को व्यापक आधार पर बढ़ावा देना जारी रखा। वे प्रतुल गांगुली, जोगेश चंद्र चटर्जी, त्रैलक्य चक्रवर्ती, नरेंद्रनाथ सेन और प्रबोध चंद्र दास गुप्ता सहित बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारियों के साथ साथ भारत के सभी हिस्सों में सक्रिय अन्य क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे। वो नादिया जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी समिति के सदस्य थे। वो रास बिहारी बोस और M.N. रॉय के साथ सुदूर पूर्व से भारत में हथियारों और गोला बारूद की खेप मंगाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। असहयोग आंदोलन के बाद सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और अन्य क्रांतिकारियों ने अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की। उन्होंने HRA घोषणा पत्र तैयार किया जिसका शीर्षक था द रिवोल्यूशनरी। इसे 31 दिसंबर 1924 को उत्तर भारत के शहरों में बांटा गया। 1925 में सान्याल को बांकुड़ा जिले में क्रांतिकारी नामक पत्रक लोगों में बांटने के लिए दोषी ठहराया गया और 2 के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। बाद में उन्हें लखनऊ में काकोरी षड्यंत्र मामले में अप्रैल 1927 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें 1937 में रिहा कर दिया गया, लेकिन 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। 7 फरवरी 1942 को नजरबंदी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस महान शहीद को हमारा नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी अकबर खान को भी याद करते हैं जिनका जन्म 7 फरवरी 1820 को राजस्थान के करौली में हुआ था। अकबर खान कोटा राज्य सेना में एक अधिकारी थे। उन्होंने 1857 में कोटा राज्य पर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे 15 अक्टूबर 1857 को मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा में पॉलिटिकल एजेंसी हाउस पर हमले में शामिल हुए। इस हमले में राजनीतिक एजेंट कैप्टन C.E. बर्टन, उनके 2 और कुछ अन्य लोग मारे गए थे। उन्होंने कोटा शासक महाराव और अंग्रेजों की संयुक्त सेना के खिलाफ कई अन्य लड़ाइयां भी लड़ी। मार्च 1858 में अकबर खान शहीद हुए। हम इस महान शहीद को नमन करते हैं।